बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम बहन भाई? उम्मीद करने सारे बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सी बिल्कुल ठीक ठाक है। रात नू हल्की फुल्की बारिश हुई सी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, हुण बदल चले गए ने। बकरियां नू हुण इन्हां दे थल्ले ढक देईदा है ताकि जिहड़े ना ठंड तो बचत रहे, और राती बारिश भी आई है ना वास्ते फिर इहदे नाल काफ़ी बचत ही रही है, नहीं तो बेचारियां सुलकदियां ही रहिंदियां पाले नाल। इंसानों पाला घट लगता है क्योंकि इंसान जड़े ना वो चल फिर सकते हैं, मतलब काम कार चोर पर थोड़ा मसरूफ रहे ना बंदा, फिर पाला बहुत यानी कि सर्दी घट लगती है, तो जानवरों को जड़ा ना बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि ना बेचारे ने इको जगह पर खड़िया रहना होता है। काका की खिलार के बैठा है, काका की खिलार के बैठे, काके का काम वेखो तुम, चीनी किन्नी इन्हें खिलारी खाता तो कोई नहीं काका चीनी है, कोई नहीं खाता ना ए? हेलो काका खांदा चीनी कोई ना ए? काका खांदा चीनी कोई ना खांदा के कोई ना ए? ए तू खा बाए बाए। अच्छा बाय बाय काका, बाय 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 नहीं करना। आसिया बेगम इत्थे बनान बैठी सी खाना, सिर्फ चाय पक्की आ, गैस खत्म। कल भाई साहब गैस भरान ही कोई नहीं होया कल, क्योंकि मेरे जिम्मे जिहड़ा काम सी ना पहले तो मैं करना, ते इस वास्ते काफ़ी सारा समान आई तां करके मैं लैके नहीं इहनू गया। और बाहर एक पई सी छापी जी डिंगरी, वो टोक टोक के लै आई है कंडिया वाली, कंडे देखो किड्डे किड्डे वड्डे ने इन्हां दे उत्ते, ते हुण खाना वगैरह बनाने लगी है। अज इतवार का दिन ने मोटरसाइकिल में साफ सूफ करके रेडी कर दिता, क्योंकि अज दानश माई ने जाना है अपने यानी कि ना सके बाप नू मिलन लई, ठीक है ना, और मैं भी नाल जावांगा, ते तकरीबन डेढ़ दो घंटे जिहड़ा ना वापस आ जाना। मुमकिन होया तां वीडियो च तुहानू जरूर दिखावांगे, अगर टक्कर पिया तां, क्योंकि उहदा फोन नंबर वगैरह कोई भी नहीं हैगा, ते इस करके फिर जरा ना मतलब दानश नूं तां एडी उधर नहीं आउंदी, उन्हां नूं आउंदी है, ते फिर ओह सुनेहा वगैरह भेज देंदे ने किसे दे हाथ भई एक बार जरा ना चक्कर मार जावे जरूर। और सुबह सवेरे इत्थों भी सारी सफाई सुथराई वगैरह मैं आप खुद ही कीती है, क्योंकि बच्चे जड़े हैं ना वह असले जिन्ना एडे आखे भी कोई नहीं लगते, एक दो दफा आखिए तो फिर जरा ना समझो टीट हो रेंदे ने, ते हले गंद उवें ही पिया होया, ये सारी सफाई सुथराई वगैरह करनी है। आसिया नूं हुण मैं कहना भी जिहड़ा ना सारा काम वगैरह इत्थों जिहड़ा आप ही कर छड्या। वेखण वाले भी काफ़ी भैन भाई जिहड़े ने, बल्कि भैणा ही मेरियां कहिंदियां ने कि आसिया ते तुसीं जिहड़ी ने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जिहड़े ने लद देंदे हो, करिए कि बच्चे फिर आखे नहीं लगते, फिर करना तो आप नूं ही पैंदा है ना, अगर सफाई सुथराई ना रखांगे तो फिर समझो कि जिथे सफाई नहीं है ना उत्थे समझो खुदाई भी नहीं हैगी, इस करके सफाई थोड़ी जी जड़े ना मैं कोशिश करना कि आप ही जड़े ना मतलब मैं और आसिया रल मिल के जड़े ना सफाई सुथराई कार छड़ी करिए कार दी। एक ट्राली भाई साहब रात नूं मिट्टी पाई और पा रहे हैं तो मैं स्टा ली आई, मैं आखिर जड़े ना वादे काटे काम आ गई, वैसे भी असा जड़ा ना दिहाड़ी डंग तो इंशाला छपरा जा शुरू करना तो उनके बच्चे काम आ जाएगी, जिहड़ी उधर मिट्टी पाई सी उह ते उत्थे ही खप गई है। सूट भी दर्जी ने दिता होया सी सिलाई वास्ते, और अज तकरीबन इतवार दा दिन, इतवार वाले दिन उन्हें आखे 7:30 बजे आके जिहड़ा ना तुसीं अपना सूट लै जाया जी, ते उन्ने चिर चलो खाना पीना कर लैंदे आ, खा पी के फिर सूट लैके आउंदे आ, फिर तैयारी करके तकरीबन 8:30, 9 भी बज सकदे ने, बहरहाल इन्ना सफ़र कोई नहीं लंबा हैगा, इत्थों तकरीबन है कोई 30 किलोमीटर दे लगभग हैगा, तो उतना ही आन हैगा, तो कोई नहीं मतलब एडा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं हैगा। नाश्ता अलहमदुल्ला कर लिया और 7:45 का टाइम हो चुका, चल के दर्जी को कपड़े लेने आन के तैयारी पकड़ने तो अपने सफ़र तरफ रवाना होने। दर्जी को कपड़े लेने और का पट्ठे के सिलसिले ना आसिया भी मेरे नाल बड़ी ही असी दूर निकल आए, क्योंकि का पट्ठा बनाए बगैर फिर मैं किसी पास निकल नहीं सकता, ते काफ़ी दूर असी निकल आए हैं, अस के जड़े बाहर घा वगैरह कट रही है, और मैं अंदर आ के मकई देख रहा सी अगर कोई घा वगैरह है या कोई तूत शूत ऐसा जो कि समझो कि फारे जगह से खला होवे उन्दे तो थोड़े बहुते पत्रे वगैरह कट के लै जाइए बकरियां वास्ते, उत्थे एक छोटा जिहा तूत खड़ा है सी,
ਓਏ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਦੱਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਹੈ ਕਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਐਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲਨੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਕੱਟ ਲਿਆਗਾ ਕਾ ਪੱਠਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਅਟਣਾ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ पास का नहीं सीता मेरे पसंद नहीं आया तो क्या जेब थोड़ी नीवी लाई सो बाकी थोड़ा जना खुला भी सीता सो ते लंबा भी ज्यादा सही चलिया बहरहाल सेटिंग बाद इंशाल्लाह करा लवांगे अल्लाह का नाम लैके आए चल पे और अम्मी मैं दानश तिने असं चले हाँ अम्मी ने भी उत्थे काम क्योंकि अम्मी जी काफ़ी सारे रिश्तेदार है अम्मी एक उन्होंने मिल गए लवेगी नाले दानश अपने जड़े ना प्यो मिल लवेगा अगर टक्कर गया था शुक्र है अम्मी दे रिश्तेदार जड़े ना खत्म हुए ने घर इन्ने ज़्यादा बड़ी देर दे समझो आए हुए हैं और दानश के वाले साहब ने मुलाकात नहीं हुई हैगी लेकिन बाकी जिन्हें कमी के सारे रिश्तेदार है सी ना वो समझो कि आज अम्मी ने सारिया मुलाकात की और सारिया समझो कि काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है और ऐ तुसी बाजार वे तो किन्ने खुले है और सुथरे समझ आई ना इतने समझो कि बहुत ही सोहना पेंट है बड़ा ही जबरदस्त पेंट है तो बाकी असी वीडियो वगैरह नहीं सी बना सके किसी की क्योंकि सारिया जाने कि ना मैं तो खुद नहीं ना मतलब किसी फैमिली में जानता अम्मी तो ज़्यादातर सारे मतलब रिश्तेदार है और रिश्तेदार तो साढ़े भी बनते लेकिन सानू इस गल का इलम नहीं है चलते पे जी घर काफ़ी टाइम इतने जरा गुजारे है अलहमदुल्ला सारे ने बहुत ज़्यादा इज्जत की बड़ा खवाया पिवाया होर हो के जा रहे हैं साढ़े लोग इन्ने ज़्यादा कंजूस से इतने ज़्यादा असरखोर ने मैं तुम दस नहीं सकता और यह पिंड देखे ना यकीन करो दिल खुश हो जाता है इतने ज़्यादा खुले बाजार कमो पेश जरा ना 100 फुट तो ज़्यादा खुला जरा ना बाजार हैगा ठीक है ना ते सफाई इन्नी ज़्यादा है ना किसे साढ़े पिंड दे विच ना घर दे विच भी नहीं इन्नी सफाई वेखण मिलती जिन्ने कि इत्थे बाजार साफ सुथरे वेखण नूं मिलते हैं अलहमदुल्ला काफ़ी टाइम दे असी घर वापस पहुँच आए सी और आकर नमाज जोर अदा की हुण फिर जरा सानू शहर जाना पैंदा पे क्योंकि एक ते भाई साहब गैस खत्म होया हुआ गैस फराक लिया सिलंडर के दूसरा जरा कि थड़े के उत्ते साड़ी जाली लगी हुई है ना जाली के अगे आ के जरा बचता पे तकरीबन जगह उनके वास्ते मजीद जाली लिया के आनी है क्योंकि एक ताकड़ी जी जी ना वो बनानी है ताकि जी बेच असी अगर कोई चीज़ लगाइए ना तो बाहरों बकरियां वगैरह आके ना खराब ना करें तो नाले बच्चों तू ही मतलब कि हिफाजत रहेगी बच्चे भी जड़े ना वो काफ़ी ज़्यादा होर लोगों के भी आके जड़े ना मतलब नुकसान कर कुछ जाते हैं इस करके उन्होंने जड़ा ना बंद करना लाजमी हैगा कल मैं एक पोस्ट लाई सी कि नवाज शरीफ नू तुसी वोट देवोगे या फिर इमरान खान नू ते रात नू ते काफ़ी अच्छा मतलब है कि रिएक्शन मिल रहा आवाम का कि नवाज शरीफ नू नहीं इमरान खान नू सपोर्ट करांगे ते उस तो बाद जड़ा ना तकरीबन 2-3 बजे आके मतलब है कि इमरान खान चोर चोर आखन लग गए लोग बहरहाल मेरा किसी सियासी पार्टी नाल कोई तलक नहीं किसी तरह का भी नहीं मैं तो वैसे एक सिर्फ आवाम का जरा रिएक्शन चैक करने वास्ते पोस्ट लगा दी आई तो होर मतलब कोई मेरा किसी सियासी जमात नाल तलक नहीं है बाकी मैं भी हो सकता किसी नूं भी वोट ना देवां ठीक है ना क्योंकि जिन्हों कामयाब असी करने हैं ना वो ही समझो कि गरीब आवाम की जड़ा ना धूड़ कड्ढण ते लग्या होया कोई भी है चाहे इमरान खान है चाहे नवाज शरीफ है या कोई शहबाज शरीफ जो भी है गया ठीक है ना इस करके ना असी भी समझो कि अपने घर के फर्दा किसी का भी हो सकता है असी ना ही वोट देवे ठीक है ना बाकी जड़ा ना आंदे ने वोट दो तो अपना फर्ज अदा करो फर्ज फुर्ज कोई नहीं होंदा है गया जिन्हों कामयाब करना है उस ने गरीब आवाम की धूड़ करनी है उनका पानी करना चंगी तरह रज रज के ता करके फिर बाद अफसोस करने नालों बेहतर है कि बंदा जड़ा ना अपना वोट ना ही देवे चलिए चलो
ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਤਾਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਬਟਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਫਿਰੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾਏ ਤੇ ਬਿਸਕਟ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਵੇਖ ਲਵੀ ਵੇਖ ਲਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਖਾਦਾ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ ਆਲੂ ਹੋਏ ਮਟਰ ਹੋਏ ਗੋਭੀ ਹੋ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਟਰ ਆਲੂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਚੰਨਾ ਇਹ ਪਕਾਈ ਜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਕਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਤਾ ਕੁੱਕੜ ਲਾਇ ਦੇ ਹਾਂ ਰਤਾ ਕੁੱਕੜ ਲਾਇ ਹਾਂਜੀ रोख ते पनीरी ठीक है कह रही है कि जरा बाहर खड़े ते लगान वास्ते पनीरी मर्चा दी ते दरखत वगैरह जेडे कोई लगाने ने एक दो पौधे वो लेके आओ लेकिन दानिश कह रहा है कि अपनी मन पसंद का पौधे जरा लेके आवेगा ते मैं मतलब एक पनीरी वगैरह अगर कोई मिल गई ना मर्चा दी ते टमाटर दी वो एक दो चार बूटे ले आवांगे और आखिरकार अज फिर सानू जड़ा ना शाम हो गई है सूरज बिल्कुल गरूब होने ते गया खड़ा है और ए भाई जरा रक्षे ते जा रहे ना स्पीड और स्पीड इनके ऊपर कुछ समान असा लगे है और तुहानू चल के दिखाने हैं कि कुछ लैके जा रहे हैं लो जी आसिया दी फरमाइश जड़ी ना समझो कर लैंदी पूरी गोश्त प्याज और आलू गोश्त सिर्फ असी अद्धा किलो ही लिया क्योंकि जिन्नी जरूरत होवे ना उन्ना कि फिर बंदा चीज़ लवे बाद लैन का कोई फायदा नहीं होंदा ऐ वाला सिर्फ अद्धा किलो गोश्त लिया और बाकी रक्षित कुछ समान वगैरह लाया वो भी आ जाता है तुहानू दिखाने हैं इन्ना ज़्यादा नहीं है बारह पहुँच आता तुहानू दिखाने से ऐ वाला भाई सब समान हैगा एक लक्कड़ हैगी और सिरकियाँ ए जाली थोड़ी जी उन्दे वास्ते जड़ी लई आ ते सिरकियां जड़ियां ना ते लकड़ ए दूसरा जड़ा ब्रांडा ज ब्राना बनाना ना माल वास्ते डंगर वास्ते उन्ना वास्ते समान जड़ा ना थोड़ा जिहा परचेज करके लियांदा समान अलहमदुलिल्लाह हो गया कंप्लीट छप्पर तक बल्कि हले नहीं इट्टां तकरीबन साड़ियां हले थोड़ियां है ठीक है ना और इट्टां दा भी कुछ बंदोबस्त ला के ते फिर जड़ा ना मिस्त्री नूं बुलावांगे और मामे नूं मैं आख्या मैं कि जड़ा ना ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਵਾ ਬਣੂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਾਲ ਹੀ ਸਾਂ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਲਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ 12,000 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ 9,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਨੌ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਸਮਝੋ ਬਚੇ ਆ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੰਜ ਨਾ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਅੰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਆਲੂ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਿਆਜ਼ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਮਸਲਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਮਗਰਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਕਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਲਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਅੰਮੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਸ਼ਤ ਆਲੂ ਔਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਸੀਆ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੈ ਆਉਣ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ
वरना क्या रे बे 2-3 महीने तो वे कलर सनमा काज गोश्त ले आके वरना भाई साहब मेनू बाग दौड़ दे पता ही कोई नहीं है कर दिया तो पता नहीं है समझ लगे बिल्कुल चार पता ही कोई नहीं होता किथे जा रहे हैं की कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं चाह मेरी ना लै गई है मम्मा दली आली मेनू पकड़ा गई मेरी चाह मेनू दे दे ऐसा नहीं करी दा ना इंसाफ ही नहीं करेगी और फकड़ा ला मिला के मैं ब्रांडा जो पवा लीए फिर इंशाल्लाह तेन जरूर लैके दे सकता ला मिला के मैं एक बार खाता जरा क्लियर कपड़े लीडे ला लाने इस तरह कपड़े तो तेरे आ गए आना नहीं ना थोड़े होंदे नंबर बाद गट बंदे पाणे पंदे नंबर आगा भी को याद आवे तो मोर मांग ले दिया दे छड़ी दे के रख दो चलो ये भी ठीक है चंगी गल है चीज जड़ी है ना आप कोल होवे तो बंदा चलो आगा शेयर कर सकता है लेकिन हुन जड़ा ना समझो के मेरे को सिर्फ मिस्त्री वास्ते रुपया 5000 अल्लाह को अल्लाह दे मैं दे अल्लाह ही देणे हां मिस्त्री दा सिर्फ 5000 अल्लाह ही दित्ते ने अल्लाह तो मंगे आन अल्लाह ही रिज़क दे बस अल्लाह पाक ही देवण वाला हुंदा है के अल्लाह तो अल्लाह को ही देना अल्लाह ही देणा हुंदा है रिज़क अल्लाह तो ही मंगणा हुंदा हां जी ब्रांडा पै जाता है ना फिर आपे इंशाल्लाह यूट्यूब दी इनकम जड़ी ना इस महीने ते नेक्स्ट महीने आवेगी फरमाइशा देखो नवीं तो नवी फरमाइशा चलो ठीक है जी बाकी अज दा व्लॉग जी खत्म करने इत्थे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग च हुंदी मुलाकात दुआएं जरूर याद रखे जे अल्लाह हाफिज अल्लाह सोने दे वाले पंडा और भाई साहब वीडियो दे एंड ते लास्ट ते तुहानू वीडियो दा मकसद भी दसते चलिए कि दिन असीं गए सी ना दानिश दे वालिद साहब ले यानी कि दानिश दे महके ते ते दानिश दा प्यो जिहड़ा ना वालिद साहब उहने सी टकरिया क्योंकि वह मेले च काम करता ते जदों उहनू छुट्टी होवे ना मेरे ख्याल है जुमे वाले दिन हुंदी है या महीने च एक अद्धी छुट्टी हुंदी उहदा ना हुंदा तो कन्फर्म कोई नहीं साडे कोल ना कोई उहनां दा फोन नंबर हैगा सी ना बिल्कुल कुछ नहीं बाकी अलहमदुल्ला दानिश नू बड़ा ही सारे उनके भैन भरावान ने बड़ा ही प्यार दिता बड़ी चाहत मुहब्बत नाल मिले गिले ने ते नंबर भी उन दानिश को लिया ते मतलब है कि अच्छी खास खातिर तवाजो की है खाण पीन के बारे च वैसे भी आन कोई ना दें दे, तुसी जड़ा ना दानिश नू साडे कोल ही रहन दो दानिश हुण पड़ेगा इत्थे साडे कोल ही लेकिन दानिश जड़ा ना वो इत्थे ही रहिंदा है क्योंकि जिथे दिल मुतमिन ना ना हो उत्थे फिर बंदा नहीं रह सकता इस करके शुरू तो दानिश अम्मी को रहा अम्मी को इन्हें रहना भी उन्हें आखिर जिन्ना चेर अम्मी की जिंदगी ने उन्ना चेर तो मैं किसी पास जा नहीं सकता उस तो बाद जड़ा ना अगर मेरे नाल सलूक अच्छा रखे मामे मामिया तो फिर मैं इतें ही रहागा नहीं तो फिर मेरा जिते मुकदर नसीब हो मैं उत्थे जावगा तो मैं भी अपने वाल पूरी कोशिश करना कि मेरे लिए कोई कसर ना रहे किसी किस्म की बाकी सारे की आपो अपनी जी मर्जी होंगी किसी कोई पाबंद नहीं कर सकता है अल्लाह पाक जी तंदुरुस्ती देवे सेहत देवे
ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਖਵਾਤੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ।